अस्सलाम वालेकुम भाभी। अरे वालेकुम अस्सलाम, उठ गई तुम? सॉरी, उठने में थोड़ी सी देर हो गई। कोई बात नहीं, अभी वक्त ही कितना हुआ है तुम्हें यहाँ। अच्छा तुम जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, मैं बना लूंगी। अरे तुम क्यों बनाओगी? अभी कुछ दिन तो खिदमतें करवा सकती हूँ ना तुम मुझसे। शाबाश, और बिगाड़ो इसको। वैसे ही महारानी दोपहर के 12 बजे सो के उठती है और फिर इनको नाश्ते की ट्रे भी सजी भी चाहिए। मैं नाश्ता बना सकती हूँ। हाँ तो बनाया करो, एहसान थोड़ी कर रही है किसी पे। जब तक आसिम की छुट्टियां थी काफी आयशी कर ली तुमने, अब जरा उसका ख्याल रखो। यानी क्या है, लड़कियों को शादी करने का शौक होता है, जिम्मेदारी निभाने का बिल्कुल कोई शौक। अच्छा, आपने शादी अभी तक इसीलिए नहीं की ताकि आपको जिम्मेदारी ना उठानी पड़े? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे ऐसे बात करने की? ग्लास तोड़ना मुझे भी आता है और आपसे ज्यादा अच्छा आता है। आने दो आसिम को, तो मैं अभी तुम्हारे घर वापस भिजवाती हूँ। मेरे घर तुम एक मिनट भी नहीं रह सकती। जबान चलाती हो मुझसे? क्यों, जबान चलानी सिर्फ आपको आती है? पारिया खुदा के लिए खामोश हो जाओ। क्यों खामोश हो जाऊं भाभी, बोलने का ठेका सिर्फ इन्होंने उठाया हुआ है क्या? सुबह सुबह पूरा मूड खराब करता है, कॉफी पीने का इतना दिल चाह रहा था। पता नहीं लोग ना खुद खुश रह सकते हैं ना दूसरों को खुश रहने दे सकते हैं। मुझसे मुंह चलाना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, बचताओगी तुम? मैं कभी नहीं बचताई। देखते हैं अभी, जब आसिम आके तुम्हें धक्के देके इस घर से निकालेगा। अभी बताती हूँ उसको। आयमा बाजी, आयमा बाजी रुकी। क्या किया तुमने, उनसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। और उनको अपने छोटों से ऐसे बात करनी चाहिए? फारिया वो बड़ी है, पुराने ख्यालात की है, उन्होंने कह दिया तुम्हें। तुम्हें इस घर में अपनी जगह भी तो बनानी है अभी। अगर खामोश रहकर इस घर में जगह बनती होती तो आप अब तक इनके दिलों में जगह बना चुकी होती। ये अपने बहन भाइयों को नहीं छोड़ती, हमारी इस घर में क्या हैसियत है?